कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अंधेशक शिक्षकों ने वो करके दिखाया है जो शायद कोई कर पाए। साथियों, लगातार आज 10 वर्ष हो गए हैं शारीरिक शिक्षक अंधेशकों के माध्यम से नौनिहाल योग के गुण सीख रहे हैं। गांव गांव योग पहुंच चुका है अंधेशक गुरुजनों के माध्यम से। देखते हैं आज की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंधेशक न्यूज। अंधेशक न्यूज आपके संघर्ष का साथी। वेलकम टू माय चैनल। आज की खास खबर शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप हर खबर से अपडेट रहें। साधु, जैसा कि आप सभी जानते हो, पूरी दुनिया कल इंटरनेशनल योगा डे मना रही होगी, लेकिन आपको बताना चाहूँगा, लगभग 10 वर्ष हो गए हैं गांव-गांव उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे योग दिवस डेली मनाते हैं अंधेशक शिक्षकों के माध्यम से। उनकी शुरुआत प्राणायाम, योग, ध्यान और प्रार्थनाओं से होती है, की संगीत से होती है, और उनका चौहमुखी विकास हो रहा है इन अंधेशक शिक्षकों के माध्यम से। सरकार को विश्वास नहीं हो तो देखिए हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा इन शिक्षकों का कार्य दिखाइए, शेयर कीजिए, देखिए कितने डिसिप्लिन में, कितने अनुशासन में और कितनी तन्मयता से ये अंधेशक शिक्षक बच्चों को तैयार करने हैं भविष्य के लिए और एक सभ्य नागरिक बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं योग और प्राणायाम के माध्यम से। आप देख सकते हो ये रिपोर्ट खास। कल योग दिवस मनाएगा पूरा विश्व, और हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अंधेशक शिक्षक ये काम लगभग 10 वर्ष हो गए हैं लगातार कर रहे हैं। डेली उनका यही रूटीन है, जब विद्यालय खुलता है तो इन्हीं सभी क्रियाकलापों से शुरुआत होती है, और कल भी ये बच्चे पूरे विश्व के साथ साक्षी बनेंगे योग दिवस के। आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे कैसे सीख रहे हैं अंधेशक शिक्षकों के साथ योग। करें योग, रहें निरोग। साथियों, एक ऐसा मैसेज जो कि माननीय मोदी जी ने पूरी दुनिया में फैलाया, और आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत मना रहा है पूरे विश्व के साथ। पूरे विश्व को विश्व गुरु के रूप में बनकर योग सिखाएगा कल भारत। यहाँ पर एक पोस्ट है वंदना सविता जी की, और वो अपना दर्द बयां कर रही हैं, इतनी मेहनत करने के बाद अंधेशक शिक्षकों को समान कार्य समान वेतन क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है अभी भी। आप देख सकते हैं इस समाचार के माध्यम से, और संभव हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर कीजिए ताकि सरकार तक हमारा मैसेज पहुँचे। हम अंधेशकों के साथ न्याय करें, सरकार क्या कमी है बताइए हमें। हमें भी अपने बच्चों को अच्छी परवरिश करने का हक है, न्याय करे सरकार, समान कार्य समान वेतन दे सरकार। इस तरह के तमाम ट्विटर पर मैसेज सरकार को पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। सरकार क्यों नहीं दे रही है समान कार्य समान वेतन, क्यों अड़ी हुई है अपनी अड़ पर, देख लीजिए क्या कमी है इन शिक्षकों में, क्या वो गुण नहीं है, क्या वो योग्यता नहीं है जो ये कर नहीं सकते। आप देख सकते हो दुनिया को शांति की ओर ले जाने वाली ये कला अंधेशक शिक्षक सिखा रहा है। क्यों है ये असमानता, एक ही छत के नीचे कार्य करते हैं, एक को आप 90,000 देते हैं और एक को सिर्फ 9,000, कहाँ का न्याय है, क्या कमी है इन अंधेशक शिक्षकों में। कंप्यूटर सिखाते हैं, कला शिक्षा सिखाते हैं, और शारीरिक शिक्षा के माध्यम से वो तमाम खेल कूद शारीरिक गुण योगा ध्यान अभ्यास करवाते हैं, वैज्ञानिक बनाते हैं, फल संरक्षण गृह शिल्प तमाम तरह की संपूर्ण कलाएं सिखाते हैं ताकि भविष्य के लिए अच्छे नागरिक तैयार हों, अच्छे युवा हमको मिलें और हमारे देश को ऊंचाइयों पर ले जाएं। कल योग दिवस है, क्या एक दिन करने से पूरा देश योग में हो जाएगा, नहीं, असंभव है। योग दिवस असली में अगर आपको देखना है तो जूनियर हाई स्कूल विद्यालय में आइए और उन महान
अनदेशक शिक्षकों का कार्य देखिए, आपको लगेगा कि हाँ हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है। लेकिन इनके दर्द को भी सुनिए, अनदेशक शिक्षकों की समस्याएं इतनी बड़ी हैं, इतनी गंभीर हैं कि ये अपना घर भी सही से नहीं चला पा रहे हैं। सरासर नाइंसाफी हो रही है इनके साथ। मैं अपने चैनल के माध्यम से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द अनदेशक शिक्षकों को उनका हक दें, उन्हें न्याय दिलाएं। आप महात्मा हैं, करुणा के सागर हैं, आप अवश्य करेंगे। ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। और अनदेशक शिक्षकों को नियमित करो। महाराज जी, आपके लिए ये बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो 24 घंटे के अंदर आदेश पारित करवा सकते हैं अनदेशक नियमितीकरण का। तो साथियों, आपने देखी आज की स्पेशल रिपोर्ट, और कल हम लेकर हाजिर होंगे योग दिवस पर हुए कार्यक्रमों को दिखाएंगे, अनदेशक शिक्षकों ने किस तरीके से आयोजन किया है, किस तरीके से सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल योगा डे। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। करते रहें योग, रहें निरोग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।